तो वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे और इस दौरान मेघवाल के मेड़ता सिटी पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। इसके बाद गोविंद राम मेघवाल ने मेघवाल समाज की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया और समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान गोविंद राम मेघवाल ने इंटर न्यूज के नागौर संवाददाता सुशील दिवाकर से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल हमारे साथ बातचीत के लिए खास बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे जाने की कोशिश करेंगे सर, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की जो 3 साल पूरे हुए, किस तरह से देखते हैं 3 सालों को सर आप? देखिए, जो 3 सालों में बजट आया है वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ बजट आया है। आप देख रहे हो कि कोरोना का जो प्रबंधन है वो जबरदस्त है और किसानों को प्रत्येक माह 1,000 रुपये बिल में माफ है। इसके अलावा हमारे 33 जिले, उसमें 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। उसके अलावा आप हर क्षेत्र में देखो, नहरों में बजट दिया गया है, कॉलेजों के लिए बजट दिया गया है, बहुत सारे कॉलेज खोले गए, बहुत सारे कोर्ट खोले गए, स्कूलों के जो भवन जर्जर अवस्था में थे वो सारी जगह भवन बनाए जा रहे हैं हर तरह से। और सबसे दी बेस्ट जो है वो कोरोना का जो प्रबंधन है उसका मुकाबला नहीं है। आपको भी राजस्थान सरकार ने आपदा प्रबंधन का कार्यभार सौंपा है, किस तरह से इस पूरे कार्य को देखिए? जो कोरोना है ना, कोरोना इसका प्रबंधन आपदा प्रबंधन विभाग ही करता है और आगे जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, उसके लिए भी हमारी तैयारी हो गई है। अब हम लोग उस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं और उसके भी कोई व्यवस्था में कमी नहीं रखेंगे।